हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा पूरे नौ दिन भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं। देवी माँ के आशीर्वाद की महिमा इतनी दिव्य है कि वह अपने भक्त के हर संकट और विपदा को मिटा देती है। बात करें हिंदू पंचांग की तो साल में चार नवरात्रि मनाई जाती है। ये नवरात्रि चैत्र आश्विन आषाढ़ और माघ मास में पड़ती है। माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें साधक देवी माँ की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माघ की यह नवरात्रि शक्ति उपासना के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। आइए जानते हैं इस बार माघ माह की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, ये कितने दिनों तक मनाई जाएगी और क्या रहेगी इसकी पूजा के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 यानी आज से प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को होगा। ये नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी जिसमें माँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा गुप्त रूप से की जाएगी। देखिए एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। सामान्यतः चैत्र के मास में बसंत नवरात्रि होती है और आश्विन जिसे क्वार भी कहा जाता है क्वार के मास में शारदीय नवरात्रि होती है। इसके अतिरिक्त माघ मास में और आषाढ़ मास में भी नवरात्रि होती है। अक्सर लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है क्योंकि यह जो रहती है गुप्त नवरात्रि रहती है। तो आगामी माघ मास में, वर्तमान में माघ मास चल रहा है, माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 10 फरवरी के दिन माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। गुप्त नवरात्रि जो है वह गुप्त विद्या महाविद्या 10 महाविद्याओं का तंत्र साधना के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। जैसा कि इसके आगे शब्द लगा हुआ है गुप्त अर्थात छुपा हुआ, अर्थात गुप्त नवरात्रि में जिन साधकों को महाविद्याओं की दीक्षा प्राप्त है 10 महाविद्याओं की दीक्षा प्राप्त है, जैसे जो श्री विद्या साधक होते हैं, बगलामुखी साधक होते हैं, तंत्र साधक होते हैं, या ऐसे साधक जिन्हें गुरु के द्वारा किसी विशेष मंत्र की किसी विशेष साधना की दीक्षा दी गई हो, वे सभी साधक ऐसे सभी साधक इस गुप्त नवरात्रि में जो उनको महाविद्या प्राप्त है, जो 10 महाविद्या प्राप्त है, जो विशेष साधना प्राप्त है, जो तंत्र उनको प्राप्त है या जो मंत्र प्राप्त है, उन सभी का विशेष रूप से साधना करते हैं। कोई हवन के द्वारा करता है, कोई तांत्रिक क्रिया करता है, कोई सावर मंत्र का जाप करता है। तंत्र क्रिया करने वाले हठ योग सावर मंत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं और जो सात्विक साधना करने वाले साधक हैं वह इस गुप्त नवरात्रि में अपने को जो मंत्र प्राप्त है उस मंत्र की साधना करते हैं, भगवती का अर्चन करते हैं, हवन करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा पाठ का विशेष महत्व है तो नवचंडी या षटचंडी दुर्गा पाठ किया जाता है। तो इन सभी कार्यों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत श्रेष्ठ है। आप जितनी गोपनीयता के साथ इन साधनाओं को करेंगे उतना अधिक आपको फल प्राप्त होगा। भगवती और भैरव की साधना भी नवरात्रि में की जाती है। तो यह गुप्त नवरात्रि है भगवती की सात्विक राजसिक साधना के लिए, तांत्रिक साधना के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और जो भक्त जो साधक इस गुप्त नवरात्रि का उपयोग करके अधिक से अधिक भगवान का भगवती का भजन करता है, जप करता अनुष्ठान करता है, भगवती का अर्चन करता है, उसको सुख सौभाग्य समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। लेकिन एक विशेष ध्यान यह रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि हो या नवरात्रि हो, बड़ी सतर्कता के साथ और पवित्रता के साथ भगवती की सेवा साधना करना चाहिए। भगवती के प्रसन्न होने पर मंत्र सिद्धि तो हमको प्राप्त होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है और धन ऐश्वर्य राज कीर्ति यश कीर्ति की हमको प्राप्ति होती है। लोकल 18 नर्मदापुरम से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ज्योतिष आचार्य के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये जानकारी है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।